हेलो गाइस, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग और नया वीडियो में के हाजिर हो चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं एपीएल और बीपीएल के बारे में, जो घोटाला हो रहा है, जो पॉलिटिक्स हो रहा है। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल में जरूर बने रहिए। देखिए, अगर आप स्किप करेंगे तो पूरा वीडियो को जान नहीं पाएंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप मेरे चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर अलाउ कर दें, क्योंकि रोजाना मैं इस तरह का वीडियो डालते रहता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पॉलिटिक्स अभी भी इस कोरोना के टाइम पे पॉलिटिक्स हो रहा है, यानी राजनीति, अगर शुद्ध भाषा से बोला जाए। अगर राजनीति एक्चुअली में है क्या, देखिए आज मैं खुद रेशन शॉप में गया हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है रिफिल फंड यानी रिफिल, जो रिलीफ फंड में जो आपका चावल दाल गेहूं इस तरह का चीज देने वाला है रेशन शॉप में, तो मैं आज गया हूँ। तो मैं भी इसके लिए लाइन पे खड़ा हूँ और उसको मैं बोला भाई चलो मुझे भी दो। उन्होंने बताया आपके पास आपका जो रेशन कार्ड है वो एपीएल है, इसलिए हम आपको दे नहीं पाएंगे। तो तब मैं उनको बोला क्यों भाई, बीपीएल सबका पेट है, मेरा एपीएल मेरा कोई पेट नहीं है, मैं नहीं खाता, या मेरे पास बहुत सारा पैड है कि मैं खुद खरीद कर लूँ। मेरे भाई मुझे पता नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये किसका परमिशन है, ये पूरा राज्य सरकार को परमिशन है। तो मैं क्या करूँ, इस तरह से बहुत आदमी घूम के आया। तो घूम के आने के बाद मैं सोचा चलो भाई इसके ऊपर ही आज मैं टॉपिक बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो इसी के लिए आप मैं आपके सामने आ जाऊँ। देखिए, कोरोना वायरस में इफेक्टेड सिर्फ बीपीएल, और सिर्फ बीपीएल इफेक्टेड नहीं है, है एपीएल भी है यार, कुछ समझा करो। मैं इसके लिए राज्य सरकार को दोष देना चाहूंगी, क्योंकि एपीएल और बीपीएल देख के कोई कोरोना नहीं आता है, भूख बीपीएल को आता है, बीपीएल को नहीं आता है, एपीएल को नहीं आता है, ऐसा भी नहीं यार, भूख एपीएल को भी आता है। अभी हम बात करने वाले एपीएल का और बीपीएल का पूरा हिस्ट्री। एक्चुअल में अगर सर्वे किया जाए एपीएल, यानी हम एपीएल किसको बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, जिसके पास लैंड प्रॉपर्टी होता है, जिसके पास बहुत अच्छा सा घर प्रॉपर्टी रहता है, उसका इनकम सोर्स अच्छा होता है, उसका हम एपीएल बोलते हैं, सही। और बीपीएल किसको कहते हैं, जो इंसान गरीब रेखा में आता है, यानी जिसका इनकम पर महीने 6,000 से ज्यादा नहीं है, वो आता है बीपीएल लिस्ट में। अभी बीपीएल कोरोना के चलते हुए जिसका इनकम 1,00,000 था, जिसका इनकम 3,000 था, सबका ही ठप, यानी बंद हो रहा है, किसी का भी इनकम एक पैसा भी नहीं है, यानी एपीएल का पास जितना था वो भी वो खा चुका है, बीपीएल के पास जितना स्टॉक था वो खा चुका है। अरे भाई 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 दिन अगर इंसान एक दिन नहीं काम करेगा तो खाएगा क्या। अगर ये तो हो गया एपीएल बीपीएल के बारे में खाने का चीज का, अभी हम बताएंगे पूरा इसका चिट्ठा, यानी चिट्ठा जो होता है ना, आपको बताता है कि पॉलिटिशियन के जो होता है, जिसको जो नहीं है वो बना देता है, अब जो है वो उसको नहीं मिलता है। तो एपीएल और बीपीएल अगर सर्वे किया जाए तो हम ज्यादातर देखेंगे, यानी पूरा भारत में देखेंगे, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में निकलेगा, आई होप आप देख लीजिएगा सर्वे करके, अगर आपको डाउट है। जैसे मैं जहां से बिलोंग कर रहा हूँ वहां से बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मैं एपीएल हूँ, एक्चुअली मैं आई बिलोंग टू बी एपीएल कैटेगरी, ठीक है। आज मुझे पता चला एक गरीब इंसान वो चावल लेने के लिए गया, वो बहुत ही गरीब है मगर उसके रेशन कार्ड एपीएल है, अरे भाई कैसे बन गया वो। और जो इंसान एक बाइक चलाता है, इसके पास वन फ्लोर का घर है, उसका लैंड प्रॉपर्टी है, टी गार्डन्स है, वो भाई बीपीएल बन गया। तो यही तो है मैजिक, यानी पश्चिम बंगाल का। तो वो इंसान बीपीएल है और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो हो गया एपीएल, कैसे बना।
तो आप लोग हमें जरूर जानते हैं। तो देखिए, मैं पूरा पश्चिम बंगाल सरकार से विनती करूंगी और इसको बताना चाहूंगी, प्लीज 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 अभी इस कोरोना के टाइम पे किसी को भी एपीएल बीपीएल के तरह से मत देखिए। हर इंसान को दीजिए जितना उसका आयोजन हुआ, उसका खाना, सबसे पहले इंसान का खाना। देखिए, सबसे पहले कुछ दिन में तो कोई पूरा लॉकडाउन, कोई काम नहीं कर रहा, सब घर बैठे हुए हैं। आई होप कि सब घर में ही बैठे हुए हैं। तो अगर घर में बैठे हैं तो प्लीज यार उनको हेल्प करो। हेल्प करने के बजाय आप पॉलिटिक्स मत खेलो। पूरा इंसान बोल रहा है कि आप, कोई भी इंसान घर से ना निकले, मगर मुझे कहने में शर्म आता है कि और चीफ मिनिस्टर श्री ममता दीदी जी ने क्या किया। अगर एक सीएम घर से निकलता है तो उसके साइड में कम से कम 40 से 50 इंसान रहता है, यानी उसका सिक्योरिटी गार्ड रहता है, बहुत कुछ इंसान रहता है। और ऐसे तो कुछ आदमी ऐसे ही निकल के दिखने आता है, चलो भाई सीएम आया मेरे घर के बगल में। तो आपको सबसे पहले निकलना नहीं चाहिए, आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको निकलना नहीं चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं, एक दाग बना रहे हैं। आप सबसे पहले, आप इतना राजनीति करते हैं हमको पता नहीं। अगर हम कोरोना नहीं होता ना तो हम आपको पहचान नहीं पाते। ममता दी, सच में आप पॉलिटिक्स करने में बेहतर है, क्योंकि आप किसी को चावल गेहूं आटा देते हैं तो उसी में भी आप अपने जो पार्टी का जो सिंबल है आप वो भी लगा चुके हैं कि चलो भाई मैं तृणमूल से आपको दे रहा हूं। क्यों आप सबसे पहले, अगर आप सेम है, आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, पार्टी आपके बाद में होगा। अगर आप सेम है तो आपको पार्टी बाद में होगा। आप सबसे पहले एक सरकारी कर्मचारी है, यानी वो आम, हमने और पूरा पश्चिम बंगाल के इंसान ने आपको वोट दिया, उसके बाद हम सेम बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उसमें आपका पार्टी का सिंबल कैसे लगा सकते हैं? तो ये होता आपका राजनीति का पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, सामने 2021 में आपको वोट है, अगर आपका वोट ना चल जाए इसलिए आप क्या करें, चलो भाई मैं भी कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे गांव में आज जैसे हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं ब्लॉक्स में गया हूँ, पंचायत में गया हूँ, उसमें प्रधान उपप्रधान जो है वो लोग बता रहे हैं कि चलो मैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि रिलीफ फंड आ चुका है। ठीक है, तो मैंने गया, मैं उनको बोला कि चलो भाई मुझे भी दो, मैं अपने गाँव में बांटूंगा। ठीक है, तो उन लोगों ने बोला भाई देखो कोई ऐसे आया ही नहीं, और यह पूरा पूरी क्या हुआ, पश्चिम आपका पार्टी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अरे भाई, मैंने उनको पार्टी से नहीं भाई, आप अपना पॉकेट से एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। आप लोग पॉलिटिक्स में आते हैं आप लोग सिर्फ कमाने के लिए, खर्चा करने के लिए नहीं आते आप लोग, आप जैसे इंसान। तो भाई ऐसा मत बोलो, मैं क्यों क्यों ना कहूँ, क्योंकि मेरा हक बनता है कहने का। तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा मुँह नहीं लगा। तो बाद में मैं जब घर पे आया तो मुझे शाम को पता चलता कि चलो भाई एक इंसान के घर पे चावल दाल बच रहा है, वो भी किसी से नाम से, हर इंसान को नहीं दिया जा रहा है। तो उन लोगों का राजनीति पॉलिटिक्स है, चलो उन लोगों को करने दो यार, क्या करें हम, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। मगर और एक मैं पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज अगर आप चावल दाल ऐसे कुछ आप देते हैं तो प्लीज आप डायरेक्टली किसी पंचायत को मत दीजिए, आप डायरेक्टली ब्लॉक में मत दीजिए, आप डायरेक्टली प्रशासन के हाथ में दीजिए, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस में दीजिए, या आप आधा सेनाबाहिनी को दीजिए, वो लोग घर घर जाके पहुंचा देंगे। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, इसका किसी पार्टी के सिंबल्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और हर इंसान, जरूरतमंद इंसान इसको लाभ उठा सकेंगे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, घर से मत निकलिए। देखिए कोरोना को रुकने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, एक ही दवाई है, स्टे होम, सेव होम एंड सेव योर लाइफ, सेव योर फैमिली। प्लीज स्टे होम, प्लीज आप घर पे रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली को रखिए। तो अगर आप मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज यार एक लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब पर जरूर करना। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होता है और बहुत ही मेहनत होता है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो।